हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं हूँ बनारस के घाट पर, और आज की वीडियो में मैं हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक जितने भी घाट आते हैं उसको मैं कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर होली का त्यौहार कैसे मनाया जा रहा है। वैसे हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का स्थान कहते हैं। यहाँ पर जीवन के रंगों से छुटकारा मिलता है, लेकिन इन्हीं दोनों घाटों के बीच में ये रंगों का त्यौहार कैसे मनाया जा रहा है, चलिए देखते हैं। हरिश्चंद्र घाट से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो आपको विजय घाट और केदार घाट मिलेगा, जहाँ पर साउथ के काफ़ी टेंपल और साउथ से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। तो इस समय घाट पर बहुत से मुझे कलरफुल लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग यहीं पे होली मना रहे हैं और कुछ होली बनाकर यहाँ आए हैं फिर से खेलने के लिए। तो इस छोटू के कलर खत्म हो चुके थे और ये कह रहा था भैया मुझे कलर दे दो थोड़े से। तो हर तीसरे चौथे घाट पर डीजे लगा हुआ है और लोग पता नहीं क्या फूंक कर डांस कर रहे हैं। और ये ग्रुप तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कलरफुल हो चुके हैं और अपने नहाने के लिए जगह देख रहा है किसी भी घाट पे। तो सारे घाट भरे हुए हैं, लोग नहा रहे हैं, होली मना रहे हैं। तो इस समय मैं हूँ यहाँ के सबसे फेमस दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर शाम को गंगा की आरती होती है। जैसे ही आप दशाश्वमेध घाट क्रॉस करेंगे तो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाई देगा, और उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से ही आगे है मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके देखूँ कि एक्चुअली है क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ भवन दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर थोड़ी दूरी पे एक और स्टेयर्स है और उसके आगे विश्वनाथ मंदिर है और इसके आगे है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर इस समय काफ़ी चिताएँ जल रही हैं। ऐसा दृश्य सिर्फ आपको काशी के घाट पर ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक तरफ किसी की चिता जल रही है और दूसरी तरफ कोई नाच रहा है, रंगों का त्यौहार खेल रहा है, होली मना रहा है। मणिकर्णिका घाट से आगे एक और मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये 9 डिग्री टिल्ट हो रखता है। और आपको एक और बात बता दूँ, इसमें जो शिवलिंग है वो आधा डूबा हुआ है इस समय। इस मंदिर के ऊपर जल्दी ही मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और फाइनली मैं यहाँ से अब वापस जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं लोग गंगा में जाके स्नान कर रहे हैं और अपने रंग उतार रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।